हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और एक और नया दिन और एक और नई सुबह और एक और नई जर्नी की तरफ हम निकल चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हमारी जर्नी स्टार्ट होगी साइबर सिटी से और हमारी जर्नी का एंड होगा सेक्टर 55-56 में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लोर करेंगे गोल्फ कोर्स रोड को। तो गोल्फ कोर्स रोड की मैं वीडियो एक पहले बना चुका हूँ, एक साल पहले। तो बट हमने वो रोड से एक्सप्लोर किया था ऊपर से, बट आज हम अंडरपास से एक्सप्लोर करेंगे इसको। और फ्रेंड्स, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो बाइक के थ्रू बनाई थी, तो उतनी अच्छी वीडियो बन नहीं पाई थी, तो मुझे लगा कि एक वीडियो आपके लिए और बनानी चाहिए। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसको कार के थ्रू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली गुड़गांव और नोएडा की काफ़ी एक्साइटिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। गुड़गांव के जो अंडरपास हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बने हुए हैं। और जो आप ऊपर ट्रैक देख रहे हैं, ये रैपिड मेट्रो का ट्रैक है जो कि सिकंदरपुर से स्टार्ट होती है और जाती है सेक्टर 56 तक। और रैपिड मेट्रो से भी आप सेक्टर 56 तक जा सकते हैं जो कि सिकंदरपुर से स्टार्ट होती है। अंडरपास से जाना चाहे तो अंडरपास से भी जा सकते हैं। पहले जो वीडियो थी वो मैंने रोड के थ्रू बनाई थी, अंडरपास को मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, तो आज हम अंडरपास को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सामने आ गया है रैपिड मेट्रो का फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन और इसके बाद आएगा सेक्टर 42-43 मेट्रो स्टेशन। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन अंडरपास बनाए गए हैं गुड़गांव के। बट इनमें एक प्रॉब्लम है, जब बारिश होती है, वैसे तो गुड़गांव में बारिश ज़्यादा होती नहीं है, पर जब ये बारिश होती है यहाँ पर तो ये पूरे भर जाते हैं अंडरपास। ये एक चीज़ प्रॉब्लम है इन अंडरपास में, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन अंडरपास हैं गुड़गांव के। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 और आपको हल्की हल्की सी डस्ट नज़र आ रही होगी। तो दिल्ली एनसीआर में ये डस्ट मॉर्निंग के टाइम पे नज़र ही आती है, तो मुझे लगा कि धूप काफ़ी तेज़ है तो ये डस्ट इतनी नज़र नहीं आएगी, पर वीडियो में ये डस्ट साफ नज़र आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो वीडियो बनाऊँ वो 12 बजे के बाद ही बनाऊँ, जिससे कि ये डस्ट वगैरह इतनी वीडियो में नज़र ना आए। और फ्रेंड्स, ये लेफ़्ट साइड में जो स्काईलाइन देख रहे हैं आप, ये है गोल्फ कोर्स व्यू अपार्टमेंट, जो कि काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट है इस गोल्फ कोर्स रोड के। गोल्फ कोर्स रोड पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सारी की सारी काफ़ी लग्जरी हैं, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जैसे पिनेकल हो गया और अरलियाज हो गया, मंगोलिया हो गया, तो ये काफ़ी फेमस बिल्डिंग्स हैं गोल्फ कोर्स रोड की।
तो फ्रेंड्स, गोल्फ कोर्स रोड पे रेजिडेंटल और कमर्शियल दोनों तरह की बिल्डिंग्स हैं। लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ये कमर्शियल बिल्डिंग है, और इसके पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो रेजिडेंटल टावर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम राइट साइड में जो एरिया छूट गया है उसको एक्सप्लोर करेंगे। हम जाएंगे सेक्टर 56 से लेकर सिकंदरपुर तक। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।